वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है टॉप सेलिंग बाइक्स इन इंडिया वर्सेज अमेरिका। मतलब आज हम देखेंगे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स कौन सी हैं और अमेरिका में कौन सी सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स हैं। इंडिया की बाइक्स बहुत स्टाइलिश होती हैं और अमेरिका की भी बहुत स्टाइलिश होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिना किसी देरी के देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, इनके पास बेस्ट वीडियोस मिलेंगी। काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। भारत और अमेरिका की इकोनॉमिक कंडीशन काफी अलग है। भारत में एक एवरेज आदमी की इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए ज्यादातर लोग यहाँ पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए मोटरसाइकिल्स ही यूज करते हैं। जबकि अमेरिका में हाई इनकम की वजह से मोटरसाइकिल्स के कंपैरिजन में लोग कार खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। पर पिछले 2-3 सालों की कंडीशंस के कारण अमेरिका में लोगों की इनकम कम हुई है और अब लोग कार्स की जगह मोटरसाइकिल्स खरीदना ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ मोटरसाइकिल्स की सेल्स काफी बढ़ गई है। हेलो राइडर्स, ये है द रूटेड शो और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत और अमेरिका के मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 7 मोटरसाइकिल्स। सो लेट्स बिगिन। टॉप 7 दोनों कंट्री। भारत में 7वें नंबर पर है टीवीएस अपाचे। भारतीय यंगस्टर्स की ये फेवरेट बाइक कई वेरिएंट्स में अवेलेबल है, पर इनमें से अपाचे 160 सबसे ज्यादा पॉपुलर है। डेली यूजेज के लिए जरूरी कम्फर्ट को मेंटेन रखते हुए इस बाइक में यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कई स्पोर्टी एलिमेंट्स इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि टैंक श्राउड्स, इंजन काउल और स्टेप सीट। लगभग 130,000 की प्राइस पर ये बाइक डिसेंट पावर, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स और दमदार स्टाइलिंग का कॉम्बिनेशन ऑफर करती है, जिसकी वजह से पूरे भारत में हर महीने इस बाइक की हजारों यूनिट्स बेची जाती है। अमेरिका में 7वें नंबर की टॉप सेलिंग बाइक है कैन एम राइकर। अजीब सी दिखने वाली ये 3-व्हीलर बाइक एडवेंचर और फन राइडिंग के लिए बनी है। इसमें 600 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन लगा है, जो 47 एचपी की पावर और 47 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस बाइक में कोई गियर नहीं है और इसमें पावर डिलीवरी के लिए शाफ्ट सिस्टम यूज किया गया है। इसके फ्रंट पार्ट में बड़े इंजन के साथ फ्रंट एक्सल और स्टीयरिंग सिस्टम को फिट किया गया है, जिसके पीछे एक सिंगल सीट है। ये ना तो एक प्रॉपर कार की सेफ्टी देती है और ना ही एक नॉर्मल बाइक वाली एजिलिटी। फिर भी पता नहीं क्यों अमेरिकन्स $9,000 यानी कि लगभग 6,50,000 रुपए की प्राइस पे करके इसे खरीदते हैं। भारत में 6ठे नंबर पर है हीरो ग्लैमर। लगभग 1,00,000 की प्राइस पर अवेलेबल हीरो ग्लैमर फुल पैसा वसूल बाइक है। दमदार बिल्ड क्वालिटी के साथ इसमें 125 सीसी का इंजन मिलता है, जो डिसेंट पावर के साथ काफी अच्छी माइलेज देता है। अपनी रिलायबिलिटी और वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन की वजह से हीरो ग्लैमर काफी लंबे समय से भारतीय 2-व्हीलर मार्केट की टॉप सेलिंग लिस्ट में बनी हुई है और अब इसके लेटेस्ट वर्जन में स्टाइलिंग को भी काफी इम्प्रूव कर दिया गया है। अमेरिका में इस पोजीशन पर है कावासाकी निंजा Z6R। ये एक मिडवेट सुपर स्पोर्ट बाइक है जो अमेरिका में $11,000 यानी कि लगभग 8,50,000 रुपए की प्राइस पर अवेलेबल है। इस बाइक में 636 सीसी का लिक्विड कूल 4-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 128 bhp की मैक्सिमम पावर और 70 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एलईडी लाइट्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, पावर मोड्स और क्विक शिफ्टर जैसे फीचर्स के साथ ये बाइक कंपैरेटिवली कम खर्चे में बाइक लवर्स को 4-सिलेंडर स्पोर्ट बाइक वाला एक्सपीरियंस देती है। इसीलिए अमेरिका में काफी सारे बिगिनर राइडर्स कावासाकी निंजा Z6R को चूज करते हैं। भारत में 5वें नंबर की टॉप सेलिंग बाइक है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। वैसे तो ये बाइक पहली बार 2008 में लॉन्च हुई थी, पर भारत में ये बाइक काफी लंबे समय से पॉपुलर है क्योंकि इसे द फेमस रॉयल एनफील्ड बुलेट के मॉडर्न वर्जन के रूप में डिजाइन किया गया है। आज भी ज्यादातर लोग क्लासिक 350 को बुलेट के नाम से ही जानते हैं। जनरली भारतीय मार्केट में 100-150 सीसी सेगमेंट की फ्यूल एफिशिएंट, रिलायबल, लो मेंटेनेंस और बजट फ्रेंडली बाइक्स ही ज्यादा बिकती हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली पिछले 8-10 सालों से 350 सीसी के बड़े इंजन, हैवी प्राइस एंड हाई मेंटेनेंस वाली रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 भारतीय मार्केट में टॉप सेलिंग बाइक्स की लिस्ट में काफी ऊपर बनी हुई है, जो यहाँ के मार्केट ट्रेंड में एक एक्सेप्शन है। रीसेंट ईयर्स में क्लासिक 350 की ज्यादा सेल्स के पीछे एक डीप रीजन है, जिसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं।
भारत के बाद अगर हम अमेरिका के टू व्हीलर मार्केट को देखें तो वहां टॉप सेलिंग बाइक्स की लिस्ट में पांचवे नंबर पर है यामाहा R3। भारत में भी कई राइडर्स R3 को पसंद करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली ये बाइक भारत में डिसकंटिन्यू हो चुकी है। लेकिन अमेरिका में R3 का अपडेटेड वर्जन $5,300 की प्राइस पर अवेलेबल है। इस बाइक में 321 सीसी का 4-valve डबल सिलेंडर इंजन लगा है, जो 42 एचपी की मैक्सिमम पावर और 28 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अमेरिका में पॉपुलर दूसरी बाइक्स के कंपैरिजन में R3 का इंजन काफी छोटा है, पर इसकी डिसेंट पावर, स्टाइलिश लुक्स और एक्सेसिबल प्राइस टैग की वजह से काफी सारे लोग इसे खरीदते हैं। भारत में चौथे नंबर पर है बजाज पल्सर। ये भारत की सबसे आइकॉनिक बाइक्स में से है। पहली बार 2001 में लॉन्च होने के बाद से लेकर अब तक पल्सर के कई मॉडल्स लॉन्च हो चुके हैं, जैसे कि पल्सर NS, पल्सर RS और सबसे रिसेंट पल्सर N250 एंड F250। करेंटली मार्केट में 125 सीसी से 250 सीसी तक पल्सर के कई वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, जिनमें से पल्सर 150 सबसे ज्यादा पॉपुलर है। स्टाइलिश लुक्स, दमदार बिल्ड क्वालिटी, लो मेंटेनेंस और डिसेंट माइलेज की वजह से अर्बन और रूरल एरियाज में काफी सारे लोग इसे खरीदते हैं। अमेरिका में इस पोजीशन पर है हस्क्वार्ना स्वातपिलियन 401। ये एक नियो रेट्रो स्क्रैम्बलर है, जो अपनी फ्लैशी स्टाइलिंग और यूजफुल फीचर्स के लिए पॉपुलर है। अपराइट राइडिंग पोजीशन, वाइड ग्रूप्स वाले टायर्स, लॉन्ग सस्पेंशन और स्पोक्ड व्हील्स के साथ इस बाइक को ऑन एंड ऑफ रोड कंडीशंस के लिए डिजाइन किया गया है। 373 सीसी के सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ इसमें राइडिंग मोड्स, क्विक शिफ्टर और एडजस्टेबल सस्पेंशन का ऑप्शन मिलता है। हस्क्वार्ना स्वातपिलियन 401 अमेरिका में $5,000 की प्राइस पर अवेलेबल है, यानी कि लगभग 375,000 रुपए। भारत में तीसरी टॉप सेलिंग बाइक है होंडा सीबी शाइन। ये डिसेंट लुक्स वाली कम्यूटर बाइक है, जिसे सिर्फ ड्यूरेबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 124 सीसी का इंजन लगा है, जो डिसेंट पावर एंड पिकअप के साथ अच्छी माइलेज भी देता है। ये बाइक भारत के शहरों में काफी पॉपुलर है, पर गांव में लोग इसे ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। अमेरिका में तीसरे नंबर पर है ट्रायम्फ स्पीड ट्विन। 1200 सीसी के डबल सिलेंडर इंजन वाले ये क्रूजर बाइक राउंड फ्यूल टैंक, बेंच सीट, 43mm अपसाइड डाउन फोर्क्स, 12 स्पोक अलॉय व्हील्स और ट्विन स्प्रिंग रेयर सस्पेंशन के साथ आती है। इसका ओवरऑल डिजाइन क्लासिक और मॉडर्न स्टाइलिंग का मिक्सचर है, जो काफी यूनिक अपीयरेंस देता है। ट्रायम्फ स्पीड ट्विन अमेरिका में एक क्लासिक बाइक मानी जाती है, जिसे ओन करना कई राइडर्स के लिए वो ड्रीम होता है, जिसे पूरा करने में उन्हें कई साल लग जाते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस है $12,500, जो एक एवरेज अमेरिकन के लिए ह्यूज अमाउंट है। पैसे के मामले में भारतीय लोग काफी कॉशियस हैं, इसीलिए यहाँ हीरो HF डीलक्स दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है। 65,000 की एक्स शोरूम प्राइस वाली ये बाइक हर महीने लाखों बायर्स के द्वारा खरीदी जाती है। 97 सीसी के रिलायबल इंजन और मजबूत बॉडी के साथ हीरो मोटोकॉर्प ने इसमें न्यू एज स्टाइलिंग और अट्रैक्टिव ग्राफिक्स का कॉम्बिनेशन दिया है, जिसकी वजह से पूरे भारत के हर रीजन में काफी सारे लोग इस बाइक को चूज करते हैं। अमेरिका में दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है होंडा CB300। जनरली अमेरिका में बड़ी और पावरफुल बाइक्स ही ज्यादा पसंद की जाती है, पर रीसेंट ईयर्स में स्लो इकोनॉमी और पेंडेमिक की वजह से हुए लॉस के कारण अमेरिकन CB300 जैसी छोटी और कॉम्पैक्ट बाइक्स की तरफ मूव कर रहे हैं। 286 सीसी के लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर इंजन वाली ये नियो रेट्रो कैफे रेसर बाइक दिखने में काफी स्टाइलिश है। डिसेंट परफॉर्मेंस और प्रीमियम हार्डवेयर कंपोनेंट्स की वजह से काफी सारे अमेरिकन इस बाइक की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और फाइनली इसे खरीद रहे हैं। भारत में टॉप सेलिंग बाइक्स की लिस्ट में पहले नंबर पर है हीरो स्प्लेंडर। ये बाइक काफी लंबे समय से भारतीय मिडिल क्लास बायर्स की फेवरेट रही है, और अब समय के साथ इस बाइक की स्टाइलिंग में भी माइनर अपडेट्स दे दिए गए हैं, पर इसके बेसिक डिजाइन को मेंटेन रखा गया है। सिंपल, लाइटवेट और स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ स्प्लेंडर का 97 सीसी इंजन काफी रिलायबल और फ्यूल एफिशिएंट है। इसकी बॉडी पर मिनिमम फाइबर पार्ट्स और स्ट्रॉन्ग मेटल के यूज से छोटे मोटे क्रैश में बाइक को बहुत कम नुकसान होता है। सिंपल मैकेनिकल पार्ट्स की वजह से स्प्लेंडर की मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम है, इसीलिए बाइक भारत में सबसे ज्यादा बिकती है। अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है हार्ली डेविडसन आयरन 1200। 1202 सीसी के विटविन इंजन वाली ये क्रूजर बाइक हार्ली डेविडसन की सबसे अफोर्डेबल बाइक्स में से है, और शायद इसीलिए इसकी सेल्स भी सबसे ज्यादा है। अमेरिका में हार्ली डेविडसन बाइक्स का अलग ही क्रेज है। वहाँ हर आदमी एक मैच्योर एज होते ही हार्ली डेविडसन ओन करने का सपना जरूर देखता है। पिछले 10 सालों में अमेरिकन के बीच हार्ली डेविडसन की डिमांड थोड़ी कम हुई है, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमिक कंडीशंस पहले जैसी नहीं है। वहाँ के लोगों की एवरेज इनकम कम हुई है,
जिसकी वजह से हार्ली जैसी एक्सपेंसिव बाइक्स ओन करना ज्यादा टफ हो गया है। लेकिन फिर भी काफी सारे अमेरिकन हार्ली डेविडसन आयरन 1200 खरीद रहे हैं। भारतीय टॉप सेलिंग बाइक्स के कंपैरिजन में अमेरिका की टॉप सेलिंग बाइक्स आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। यार जाहिर बात है जितने वो थोड़े अमीर हैं वो डेवलप देश है तो उधर बाइक फिर भी इस तरह हैवी बाइक्स ही वो यूज करते हैं जो बड़े इंजन वाले और ज्यादा इसमें कोई शक नहीं। और इंडिया में भी जो स्टार्टिंग में बाइक्स हैं बहुत कमाल थे, शुरू पे थोड़े हल्के बाइक हो गए क्योंकि इंडिया में जो मिडिल क्लास सेगमेंट के लोग हैं ना मिडिल क्लास वो फिर इस तरह की बाइक 65-70 लेकिन फिर भी देखो रॉयल इनफील्ड आई हुई है जो कि 2 लाख के करीब है और टीवीएस आया हुआ है, अपाचे बजाज की भी बहुत अच्छे बाइक होते हैं, सीबी शाइन भी बहुत अच्छा बाइक है और फिर स्प्लेंडर हर घर में होता है भाई। तो यार इंडिया का लुक और प्राइस इंडिया की बहुत ज्यादा। अब जिस तरह देखो मैं तो बहुत महंगे बाइक्स, अब जिस तरह मैं पाकिस्तान का तो मैं बताता हूँ जिस तरह बाइक्स 60,000 का भी है 70, लेकिन वो लो मतलब मिडिल क्लास वाले लेते हैं, लेकिन जो जिनके पास पैसा है थोड़ा अच्छा है वो होंडा 125 150 इस तरह के बाइक लेते हैं। लेकिन जो अलग लेवल पे है फिर इधर कोई कोई वो क्या कहते हैं अब ये जितने भी बाइक इंडिया में भी चलती है चलते हैं कोई शक नहीं है, इंडिया में हद से ज्यादा ये बाइक बिकती है। आप लोगों के पास कौन सा बाइक है कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोगों ने ये बताना है। बिल्कुल और कोई शक नहीं अपनी देखो जो जितनी जितनी मतलब कमाता है इंसान उस हिसाब से स्टाइल की बाइक आप कहना अपने कमेंट सेक्शन में दें। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यार बाय।